नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9 हिंदी मीडियम में विशेष टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें तमाम जगह काम पड़ता रहता है, जिसमें काफी अच्छे अच्छे लोग भी जो है इसको पता नहीं पाते हैं। टेम्परेचर मापने की तमाम इकाइयां हैं, एक तो फारेनहाइट है, दूसरा सेंटीग्रेड है, तीसरा केल्विन है। ठीक है, इस तरह से हम किस तरह से आप ये कि हमको सेंटीग्रेड में मालूम है तो फारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, या फारेनहाइट में मालूम है तो सेंटीग्रेड में कैसे बदलेंगे, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हमको सेंटीग्रेड मालूम है तो फारेनहाइट में परिवर्तन किया जा सकता है। आपको हम एक उदाहरण देके करते हैं। जैसे मान लिया आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 37 गुणे 9 बटे 5 और इसे हम 32 से जोड़ देते हैं तो ये फारेनहाइट में बदल जाएगा। अब क्या है, इसका इसका गुणा कर देते हैं तो 63, 9 यानी 333 आ जाता है, और इसका 5 से भाग देते हैं तो 66.6 आ जाएगा, और इसमें हम 66.6 प्लस 32 कर देते हैं तो आपका आ जाता है 9.86 फारेनहाइट, किसी में आपके शरीर का तापमान मापा जाता है केल्विन में, और फारेनहाइट में जो थर्मामीटर होता है उसमें फारेनहाइट पैमाना दिया रहता है, यानी 9.1 फारेनहाइट आपके शरीर का तापमान रहता। मान लिया आपको फारेनहाइट मालूम करना है और सेंटीग्रेड में बदलना है, तब हम क्या करते हैं, ये तो पहला हो गया। सूत्र क्या है, फारेनहाइट माइनस 32 गुणे 5 बटे 9 बराबर सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो फारेनहाइट आपके शरीर का, मान लिया आपके शरीर का तापमान कितना है, 98.6 डिग्री है। अब इसे हम 32 से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं तो, और गुणे 5 बटे 9 कर देते हैं तो सेंटीग्रेड में बदल जाएगा। अब 98.6 अर्थात ये आ गया 66.6 गुणे 5 बटे 9। अब इसको बराबर कितना आ जाएगा, सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब 5 36 5 36 3 33 5 36 3 33 यानी 333। और अगर हम इसे फिर भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं तो आ जाता है आपका बटे 9, तो आ जाएगा आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा है, अगर आपको सेंटीग्रेड मालूम है केल्विन में बदलना है तो सेंटीग्रेड प्लस 273 बराबर केल्विन के हो जाएगा, तो केल्विन बराबर 273 धन 32 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपका आ गया शरीर का तापमान 310 310 और 3 7 10 11 यानी 310 केल्विन आ जाएगा। और मान लिया केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना है तो मान लिया आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री है तो सेंटीग्रेड बराबर होता है केल्विन माइनस 273 माइनस सेंटीग्रेड, 273 माइनस कितना है, मान लिया तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में मान लिया आपके शरीर का तापमान 310 है तो आपका आ गया 310 में से घटा दीजिए 273 तो आ जाएगा केल्विन में, सेंटीग्रेड बन गया, केल्विन बन गया
310 है, तो 300 310 में से 273 हम घटा देते हैं तो आपका तापमान, शरीर का तापमान आ जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से हम केल्विन को सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी लोग इसके जानकारी नहीं होती है, पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।